मैं भी वही हूँ जिनके इंसाफ के लिए कभी कैंडल मार्च हुए थे, उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम सब ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। पर मेरे लिए ना धरना है ना आशा की कोई आँच जली, क्या मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? तो तुम्हारा रेप हुआ, किसने किया? सर वो कुछ याद नहीं आ रहा कौन था, पर उसने मेरे साथ, मतलब तुम कह रही हो कि तुम्हारा रेप हुआ और तुम्हें नहीं मालूम किसने किया? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। ये घटना एक लड़की की जिंदगी की बहुत ही भयानक और विचित्र रात से जुड़ी थी। उस रात का एक एक पल यातनाओं से भरा था, लेकिन उस लड़की को अपने अपराधी का परिचय नहीं मालूम था। आखिर आराध्या कब, कैसे और क्यों इस जटिल परिस्थिति में पहुंची? देखो तुम्हारा क्या होता है, तुम एनर्जी नहीं रखती, तुम्हें फोर्स होना चाहिए। हाँ, ये जो स्ट्रोक है ना, ये इस तरह से, ये यस। ओके, ठीक, आज प्रैक्टिस यही खत्म करते, कल फिर मिलते प्रैक्टिस पे। चल आराध्या, आज पार्टी करते हैं, जाम से जाम टकरा के मैं अपनी हार और तू अपनी जीत सेलिब्रेट करते। अच्छा, जाम से जाम टकराएंगे ना तो लीवर जाम हो जाएगा, फिटनेस पर ध्यान नहीं देना तुझे। अरे मैडम, अगर मूड अच्छा हो ना तो बॉडी का हर पुर्जा रिपेयर हो सकता है। चल ना मजे करते यार। क्या मजे? ए! आराध्या, क्या हुआ? हाँ जी बोलो। 5 बज रहे हैं और आराध्या अभी तक घर नहीं आई। अच्छा, तो आपके बेटे ने आराध्या की आपको सारी खबर दे दी? हाँ, तो भाई है तो फिक्र तो होगी ना उसको। और तुमने माँ हो के क्या किया, उल्टा उसको क्लब का मेंबर बनवा दिया और तब से पैर नहीं टिकते उसके घर पे। अरे भगवान ने इतनी टैलेंटेड बच्ची दी है तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, और ये रोक टोकना अच्छी बात नहीं है। तो अब कहाँ पे झंडे गाड़ रही है? देखो, लीवर की फिक्र होना तो ठीक है, लेकिन दिल का भी ख्याल रखना चाहिए। मौसम देखो यार कितना अच्छा है। हेलो, बस तल्ली नहीं होना मुझे, घर भी तो जाना है। ओ हेलो, हमें कौन सा शमशान जाना है, बारिश है, बियर है, तुझे और क्या चाहिए? चल अब आइए ना, तो अच्छे से एंजॉय करके जा। एंजॉय तो तब करूंगी ना जब कंट्रोल में रहूंगी। कंट्रोल? अरे मैं हूँ ना, मैं करता हूँ तुझे कंट्रोल। अभी ना नहीं पीना यार, प्लीज। अभी ना क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? प्लीज नीचे उतरना, तुझे मालूम है मुझे। और देख, अगर तूने एक और ग्लास नहीं पिया ना तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, मैं सच बता रहा हूँ। उतरना नीचे प्लीज। ओ हीरो, तुझे मालूम भी है कितना खतरनाक हो सकता है? ऐसी हरकत रही ना क्लब में एंट्री बंद हो जाएगी तेरी। मेरी एंट्री बंद कराएगा तू? तुझे पता है मेरा बाप कौन है? सुपर हीरो तो होगा नहीं, जो ये छत से कूदने के जीन्स आ गए तेरे अंदर है? चिल कर यार, मैं तो बस ये कह रहा था कि ये रिस्की खेल बंद कर एंड हैव सम फन। चल देख। ओ हेलो, तू बड़ा ब्लश कर रही है, जानती है क्या उसे? जानती तो नहीं, पर लड़का जानने लायक है। अपने बॉयफ्रेंड के ही सामने फ्लर्ट कर रही है? आज तू पीने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, कल को जीने के लिए ब्लैकमेल किया, तो तेरे साथ रिस्क बहुत है, समझा? कोई रिस्क नहीं है पापा, आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे दूसरी लड़कियां जॉब ही नहीं करती। होटल में वेटर का काम करके बड़ा नाम रोशन कर रही मेरा, और रोज रात को 12-12 बजे तक घर आती है। देख मंजू, ये सब नहीं चलेगा। पापा आप खुद तो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा नहीं पाते, अब क्या मैं खुद की पढ़ाई के लिए पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकती? बोल तो ऐसे रही है जैसे तुझे अनपढ़ छोड़ रखा है मैंने। बीए करवा दिया ना, अब इसके आगे ना तो पढ़ाई करेगी ना जॉब करेगी, समझी?
ये लड़की मेरी नाक कटवाएगी एक दिन। हेलो पापा, आराध्या घर पे ही है। जैसे कल रात को आपने उसकी क्लास ली थी ना, बस वैसा ही करो उसके साथ, लाइन पे आ जाएगी। अब वो चाहे कुछ भी कर ले, मुझे उस संकी से बात ही नहीं करनी है। बाय द वे, ये कहीं उस करण का जादू तो नहीं जो तूने अभिनव से तुरंत ब्रेकअप कर लिया? हाँ खींच मत यार, मुझे बस अपने गेम पे फोकस करना है। ओहो चैंपियन। अच्छा सुन, आज पार्टी में तो आ रही है ना? नहीं यार, घर में पापा ने डिटेन कर रखा है और भाई मेरे पे पैरा दे रहा है, कैसे आऊंगी? वाह क्या बात है। बाय द वे, तू आराध्या है ना? क्योंकि वो तो शायद पार्टी में नहीं आने वाली थी, मम्मी ने अलाउ कर दिया। मम्मी ने किस चीज के लिए अलाउ किया? जागरण के लिए, पार्टी के लिए? तेरे कपड़े तो देख। क्यों क्या हुआ? आराध्या बहुत सुंदर लग रही हो। अब मैं क्या कह रहा था मुझे तुमसे कुछ। आराध्या संध्या। आराध्या, संध्या पे तो हम मिले थे करण, राइट? राइट, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तुम्हारा। वैसे क्या हुआ आज, चोर पुलिस खेल रहे हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? अभी ना मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ही इज जस्ट अ फ्रेंड। ओके बात है बेटा, कल से तुम बड़ी गुमसुम लग रही है। माँ वो कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ज्यादातर रेप विक्टिम्स अपनी तकलीफ अपनों से भी नहीं बता पाते, पर ऐसे मामलों में विक्टिम की मेडिकल रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट एविडेंस होती है और एफआईआर में की गई देरी इस एविडेंस को मिटा सकती है। आराध्या ने अपने परिवार को भी ये बात 3 दिनों बाद बताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शराब पार्टी और लड़के, इसके अलावा कुछ सोचता है तुझे? ये तो होना ही था तेरे साथ। बस करण, इसका रो रो करके पहले ही बुरा हाल है और तू है कि इसको कोसे ही चला जा रहा है। तू क्या कर रही है स्वास्नी, अभी भी अंश को रोक रही है तू? बड़ा बोल रही थी ना, बड़ी टैलेंटेड लड़की पैदा की है। अरे हमारी इज्जत खराब करने के लिए पैदा हुई है ये। अब कुछ बोलेगी? कौन था वो, क्या नाम था उसका, कुछ बोलेगी? पापा नाम क्या, इसको तो उसकी शक्ल तक याद नहीं है। क्या? हाँ नशे में टूल थी,
मुझे तो लगता है दारू के साथ ड्रग्स भी लेना चालू कर दिया इसने। ड्रग्स नहीं लिया था मैंने, बस थोड़ी सी बियर पी ली थी। ऐसे बोल रही जैसे बहुत महान काम किया इसने। हाँ मैंने गलती की पापा, पर उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मेरा रेप कर देगा। तीन दिन से इसीलिए चुप थी कि मुझे पता था आप मुझे गलत समझोगे, और जिसने गलत किया है उसे कोई भी नहीं कोस रहा है। अरे तो कोसने के लिए कोई होना चाहिए ना। अब वो जो भी है उसे पुलिस ढूंढेगी। हाँ हाँ, तू तो बड़ी मिनिस्टर की बेटी है, पुलिस तेरे इशारे पे काम करेगी। क्या बोलेगी पुलिस को तू? तुझे उसका नाम उसकी शक्ल कुछ तो याद नहीं है, तो चुपचाप घर पे बैठ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा रेप हुआ, किसने किया? पर वो कुछ याद नहीं आ रहा कौन था। पर मतलब तुम कह रही हो कि तुम्हारा रेप हुआ और तुम्हें नहीं मालूम किसने किया? सर दरअसल उस दिन ये होश में नहीं थी। सर एक्चुअली उस दिन मैं एक पार्टी में गई थी और मैंने वहां थोड़ी सी बियर पी ली थी, पर इतना नशा मुझे पहले कभी भी नहीं हुआ था जितना उस रात को हुआ मुझे। मतलब ये सब पार्टी में हुआ? नहीं सर, पार्टी में नहीं हुआ। मुझे याद है अच्छे से कि पार्टी के बाद घर जा रही थी और मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे, बहुत सर दुख रहा था और फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और फिर अचानक से मैं वहीं पे बेहोश हो गई। और जब मुझे हल्का सा होश आया और फिर अचानक पता नहीं मैं कैसे उसी रोड पे पहुंच गई जहां पर बेहोश हुई थी। फिर मैंने रियलाइज किया कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे एक टैक्सी दिखी और मैं टैक्सी लेके घर चली गई। कब हुआ है सब? 4 दिन पहले। मतलब तुम्हारा रेप हुआ आराध्या और तुम्हें यहाँ आने में 4 दिन लग गए? सर मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं कैसे आपको ये सब बताऊंगी। मतलब तुम कंफ्यूज थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि होश आने और होश जाने के बीच में जो तुम्हारा रेप हुआ जो तुम बता रही हो ये सब वाकई में एक सपना हो? नहीं सर, मेरा ये कोई सपना नहीं था, मेरा सच में रेप हुआ है। अरे तो मान लेते हैं रेप हुआ है, पर रिपोर्ट बताओ किसके खिलाफ लिखूं, बोलो। देख लिया ना पुलिस के पास जाके? मैंने पहले ही बोला था वो लोग कंप्लेंट तक नहीं लिखेंगे तुम्हारी। उन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखी पापा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ क्राइम नहीं हुआ है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तेरा रेप ही ना हुआ हो। बस बस कर, चुप हो जा अंच, और तेरे पापा कुछ भी बोले लेकिन मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगी। लेकिन बेटा तुझे याद करना होगा कि वो कौन था, ध्यान से सोच, शायद तुझे उसकी शक्ल याद आ जाए। अच्छा ये याद कर कि तू उस दिन उस सड़क से उस कमरे तक कैसे पहुंची, तू खुद से गई थी या तुझे कोई जबरदस्ती लेकर के गया था? ओके ठीक बाय। आई बैठ, आ जाओ बैठ। सर जब से ये सब हुआ है तब से ये बहुत सदमे में है। मैं समझ सकता हूँ। बेटा डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है हमें ठीक से बताओ। पानी आराम से, डरने की जरूरत नहीं। किया
क्या क्या बोल रही है? सॉरी सर, ये बहुत डिस्टर्ब है जब से ये सब कुछ हुआ है। आपकी बेटी का दिमाग तो सही है ना? क्या बोल रही है ये? दिमाग तो तुमने खराब किया मेरा, छोड़ो मेरे को। आराध्या कह रही थी कि उसे उस आदमी का चेहरा तक भी याद नहीं है जिसने उसके साथ बलात्कार किया था, और अब परफ्यूम की स्मेल की दलील देकर एक एसएसपी पर गंभीर आरोप लगा रही थी। क्या ये आराध्या का कोई भ्रम था या फिर उसके आरोपों में वाकई कोई सच्चाई थी? लेकिन उसके आरोपों ने पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर दी थी, क्योंकि ये बातें न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस और अखबारों की सुर्खियां बन चुकी थी। इन आरोपों से पुलिस डिपार्टमेंट की काफी बदनामी हो रही थी। इसके बाद एसएसपी अजीत सिंह ने अपने पद से खुद ही इस्तीफा दे दिया और अपने ही खिलाफ जांच का समर्थन करने लगे। मेरी 30 साल की सर्विस में मैंने खुद ने 30 से ज्यादा रेप केसेस सॉल्व किए हैं। मैं चाहता हूं कि इस केस की पूरी इंक्वायरी हो। मुझे लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और जहां तक उस लड़की का सवाल है, या तो वो किसी के बहकावे में आकर मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। सर, ये अजीत सिंह तो बहुत काबिल ऑफिसर है। तुम कैसे जानते हो अजीत सिंह को? दरअसल 5 साल पहले जब मैं आदिल सर के साथ काम कर रहा था, उस वक्त इनसे मुलाकात हुई थी, और सर तब इन्होंने एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया था, और अभी खुद रेप केस में फंसे हुए हैं। स्ट्रेंज। उस दिन तो तुम्हें किसी आदमी का चेहरा भी याद नहीं था, और आज तुम कह रही हो कि अजीत सर के परफ्यूम की स्मेल रेपिस्ट के परफ्यूम की स्मेल से मिलती है। पर एक जैसा परफ्यूम तो कई लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इन बातों से तुम्हारे दिमागी हालात पर सवाल उठेगा कि नहीं? देखिए, अगर मैं आपको पागल लग रही हूँ तो मेडिकली प्रूफ करके दिखाइए। पहले मेडिकली ये तो प्रूव हो जाने दीजिए कि तुम्हारा रेप हुआ है। तो आप मुझे झूठा साबित कर रहे हैं? झूठ और सच तो सबूत साबित करेंगे। अब आते हैं तुम्हारी स्टेटमेंट पे। उस सुबह जहाँ तुम ऑटो का वेट कर रही थी, वहाँ कोई भी सीसीटीवी नहीं है, तो किसी बात का कोई प्रूफ नहीं है, और तुम्हें याद नहीं है कि तुम उसके बाद गई कहाँ। लेकिन सर, मुझे ये तो याद आ गया है ना कि उस दिन एक ब्लैक कार आई थी, और उस कार में कोई था जो मुझे लिफ्ट के लिए पूछ रहा था। वो कार से उतरा और मुझे अपने साथ लेकर गया, और मुझे पता भी नहीं चला। अब तुम ये कहोगी कि उस ब्लैक कार में अजीत सर थे? नहीं, वो आदमी कोई और था। मतलब कार में तुम्हें कोई और लेके गया, और तुमने रेप का इल्जाम अजीत सर पे लगाया? क्योंकि उस दिन कमरे में अजीत सिंह ही था, और वो कार में कोई और था, और वो कार वाला ही मुझे बेहोशी की हालत में उस कमरे तक लेकर गया, और शायद वापस मुझे वहीं छोड़ दिया। पहले तुम्हें एक आदमी भी याद नहीं आ रहा था, अब दो दो याद आ रहे। तुम्हारा रेप एक आदमी ने किया है या दो ने? एक ने, और वो एक आदमी अजीत सिंह है जो उस दिन उस कमरे में था। कहाँ था वो कमरा? कौन सा होटल, कौन सा लॉज? कुछ कह नहीं सकती। उस दिन तुमने बताया था कि तुमने बियर पी रखी थी। ऐसे कितनी बियर पी थी कि जो तुम्हें होश नहीं था? शायद दो। और यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि दो बियर में मुझे इतना नशा कैसे हो सकता है। मतलब कोई और था वहां जिसने तुम्हारी बियर में नशीली दवाई मिलाई? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि मेरी बियर में नशे की गोली किसी ने पार्टी में ही मिलाई थी। अगर ऐसा था तो पॉसिबल है कि वो शख्स जिसने तुम्हारा रेप किया है उसी पार्टी में मौजूद था। आराध्या अपने गुनहगारों के बारे में कितना जानती थी यह भी साफ नहीं था, लेकिन उस पार्टी वाली रात की आराध्या से जुड़ी एक एक एक्टिविटी का पता किया जा रहा था। जैसे वो उस पार्टी में किस ऑटो से गई थी, किस टैक्सी से वो अगली सुबह अपने घर पहुंची थी, और इनके बीच में वो काली कार किसकी थी जिसने उसे लिफ्ट दी थी, वो कमरा कहाँ था जहाँ उसके साथ बलात्कार किया गया था। हाँ सर, उस रात मैं पार्टी में मौजूद था, लेकिन जब मैं वहाँ से निकला तब आराध्या वहीं पे थी। वो नैना और अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता मुझे। सर, आराध्या तो पार्टी में भी नहीं आने वाली थी। क्यों? सर, एक्चुअली आराध्या के पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, वो उसे कहीं नहीं जाने देते, लेकिन उसकी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, तो उसकी मम्मी ने उसे बाद में अलाउ कर दिया था। ये आराध्या पार्टी में से तुमसे पहले चली गई थी या बाद में? सर, वो पहले ही चली गई थी, लेकिन हाँ सर, मैंने बाद में अभिनव को उसके पीछे जाते हुए देखा था। ये अभिनव कौन? सर, अभिनव आराध्या का बॉयफ्रेंड है। हाँ सर, उसने मुझसे ब्रेकअप किया था, लेकिन सर उसने मुझ पर कोई भी रेप एलिगेशंस नहीं लगाए। लेकिन तू उसके पीछे तो गया था?
शायद किसी को देखा उसके पीछे। सर मैं उसके पीछे गया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे बात करता मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। और आराध्य से तो मैं मिला तक नहीं था सर, वो पूरे पार्टी में करण के साथ ही थी। करण? सर मैं उस रात सिर्फ दूसरी बार मिला था आराध्या से सर। हाँ लेकिन सर मुझे ऐसा फील हो रहा था सर, वो अपने बॉयफ्रेंड अभिनव को जलाने के लिए बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी सर। लेकिन सर मैंने उसे साफ क्लियर कर दिया था कि मैं अभी किसी और के साथ हूँ सर। ठीक है तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सर उस टैक्सी वाले का पता चल गया जिसने उस सुबह आराध्या को घर पे छोड़ा था। हाँ साहब, उस सुबह मैंने इस लड़की को एमजी क्रॉसिंग रोड से इसके घर सुंदर नगर छोड़ा था। ये लड़की कह रही है इसके साथ रेप हुआ था। उस दिन जहाँ से इसने तुम्हारी टैक्सी हायर की थी ये फुटपाथ पे बेहोश पड़ी थी। तुमने देखा था इसे बेहोशी की हालत में? नहीं साहब, मैं तो खुद अपनी टैक्सी में सो रहा था। इसने खुद मुझे जगा के मेरी टैक्सी हायर की। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ साहब वो तो मुझे नहीं मालूम। क्या रंग है तेरी टैक्सी का? साहब सफ़ेद है। घर का मेन गेट का कलर ब्लू था, जहाँ पे मुझे वो ब्लैक कार लेके गई थी। ब्लू कलर पर बेटा पुलिस ने कंफर्म किया है, अजीत सिंह के बंगलों का मेन गेट ब्लू कलर का नहीं है। लेकिन मैंने रेप उसी ने किया है मम्मी, और जिस घर का गेट ब्लू था अजीत सिंह मौजूद था वहाँ पे। अच्छा ठीक है, तू ये याद करने की कोशिश कर कि उस ब्लैक कार में कौन आदमी था। याद आया कौन था ब्लैक कार में? आराध्या अब तुम कभी प्रूव नहीं कर पाओगी कि अजीत जी ने तुम्हारा रेप किया। मतलब अब आप वो कर रहे हैं जो वो आपसे करवा रहे हैं। अब तुम मुझे समझाओगी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सर नाराज मत होइए, बच्ची है नादानी में भूल गई। नादान बहुत पहुंची हुई चीज है ये। टेबल टेनिस कंपटीशन में नॉमिनेशन के लिए आराध्या की सिफारिश लेकर तुम गई थी अजीत जी के पास, क्योंकि वो तुम्हारे फ्रेंड की जान पहचान के हैं। सुहासिनी जी मैं ऐसी कोई सिफारिश नहीं करूंगा, आपकी बेटी को क्लब में फ्री ट्रेनिंग दिलाने के लिए मैंने सिफारिश कर दी थी, लेकिन वो कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट होगी या नहीं ये सिर्फ उसका गेम डिसाइड कर सकता है। मैंने बात नहीं बनी तो बदनाम करने की कोशिश की। तो क्या कह रहे हैं आप सर? उस रात आप अपनी बेटी को पार्टी में नहीं भेजना चाहते थे ना? जी सर, लेकिन तुम्हारी बीवी ने भेजा जबरदस्ती, क्योंकि नहीं भेजती तो ये खेल कैसे रचती? खेल तो मेरी बेटी की जिंदगी के साथ हुआ है सर। आपको पता है उस दिन वो उस काली कार में कौन आया था, कौन इसको लेकर के गया था? करण सिंह, अजीत सिंह का बेटा। हलिफ चाहिए क्या तुम्हें? तो अपनी दलील को पुख्ता करने के लिए अजीत जी के बेटे को फ्रेम कर रही हो तुम। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी कहानी। मतलब मेरा रेप आपको अब कहानी लग रही है? बहुत कहानी है तुम्हारे पास। मेडिकली प्रूव हो चुका है कि तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, और सेक्सुअली एक्टिव तो तुम पहले से थी ना। क्या कह रहे हैं सर आप, कुछ भी बोले जा रहे हैं। पूछो अपनी बेटी से, अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिनव के साथ इसके फिजिकल रिलेशन थे या नहीं। सच क्यों नहीं बोल रही? हाँ बन गए थे अभिनव के साथ मेरे रिलेशन, लेकिन 19 मार्च की सुबह मेरा रेप हुआ था और अजीत सिंह ने ही मेरे। वो उस दिन इंदौर में थे ही नहीं। मैं वहां नहीं था जहां उस लड़की का रेप हुआ, बल्कि मैं यहां से 300 किलोमीटर दूर भोपाल के नुसरतगंज में था, एक शादी अटेंड कर रहा था। मेरी भतीजी की शादी, शादी की फोटोग्राफ है इसमें, मैं ठीक से नजर आ रहा हूँ देखो। अपने एलिगेशन वापस लो, तो इस केस में उल्टे बुरी तरह फंस जाओगे। कहाँ गायब था कल से? वो अपन तेरी ये आवारागर्दी बंद कर दे। अगर तेरे खिलाफ कुछ भी साबित हुआ ना तो सबसे पहले मैं तुझे अंदर करवाऊंगा।
तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये भी हो सकता है कोई आराध्या आराध्य की मौत हो गई थी और जल्द ही मीडिया इस मामले को आत्महत्या का रंग भी देने लगी। मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी, वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। उसको तो हाइट का फोबिया था, ऊंचाई से नीचे देखते ही उसको चक्कर आने लगते थे, तो फिर वो खुद कूद कर अपनी जान कैसे दे सकती है। उसको जरूर किसी ने धक्का दिया था, उसकी हत्या हुई है। मैं इस केस में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच की मांग करती हूँ। आराध्य की मां द्वारा की गई मांग को मीडिया ने इतना बढ़ावा दिया कि आखिरकार ये मांग स्वीकार कर ली गई और ये केस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। आप लोगों का कहना है कि आराध्य को ऊंचाई से डर लगता था, इसके बावजूद वो टेरेस पर अकेले गई। क्यों गई होगी वो टेरेस पर? सर ऐसे ही गई थी, लेकिन कभी भी वो मुंडेर के पास नहीं जाती थी। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम सब लोग यहाँ नीचे थे और तभी अचानक से आराध्या के चीखने की आवाज सुनी और चादर के देखा तो सर अगर आराध्या खुद कूदी होती तो फिर वो चीखती क्यों? उसको जरूर किसी ने धक्का दिया था, पक्का उस अजीत सिंह और उसके बेटे का ही हाथ है इसमें। आप लोगों के कहने का मतलब है कि एसएसपी अजीत सिंह और उनके बेटे करण ने किसी को आपके टेरेस पर भेजा, उसने आराध्या को धक्का दिया। लेकिन आप लोगों के घर पर होते हुए आपके टेरेस पर कौन आ सकता है? सर लड़की की लाश वहां मिली थी, अगर कोई बाहरी आदमी इस छत पे आया तो पड़ोस की किसी छत से ही आ सकता है, क्योंकि यहां पे आने के लिए सीढ़ियां घर के अंदर से ही आती हैं और आस पड़ोस की किसी छत पे सीसीटीवी मिलना तो पॉसिबल नहीं है। सुमित सर आसपास पता करो, वारदात के दिन कोई सस्पिशियस शख्स देखा गया था क्या? सर मनीष सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि आराध्या का रेप और मर्डर केस क्या दोनों आपस में कनेक्टेड है या फिर दोनों केसेस अलग अलग हैं? लेकिन सर इस केस की इन्वेस्टिगेटिव टीम का तो यही मानना है कि आराध्या का रेप ही नहीं हुआ और मेडिकल रिपोर्ट से भी यह कन्फर्म नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट से तो तब कन्फर्म होता ना जब रेप के तुरंत बाद उन्होंने आराध्या का मेडिकल करवाया होता, उन्होंने रिपोर्ट ही 4 दिन के बाद फाइल करवाई थी। सर आराध्या ने 3 दिन तक तो हमें भी कुछ नहीं बताया था और 4 दिन तक आराध्या को रितेश का चेहरा ही याद नहीं था। 7 दिन के बाद उसने एसएसपी अजीत सिंह पर एलिगेशन लगाए और कहीं 10वें दिन जाकर आराध्या को याद आया कि उस ब्लैक कार में अजीत सिंह का बेटा करण था। ठीक हो तुम? सर आराध्या को जैसे जैसे जो कुछ भी याद आता जा रहा था वो हमें बताती जा रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी झूठ बोल रही थी, लेकिन पुलिस ने हमारी किसी बात पर भी भरोसा नहीं किया। हाँ सर अजीत सिंह ने घर पे आके मुझे धमकी दी, मैं कोई टेढ़ा तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप कोर्ट में जाना चाहते हैं? जरूर जाइए, लेकिन कोर्ट का फैसला आप पे भारी पड़ेगा। मेरे बॉस से बोल के मुझे जॉब से निकलवा दिया, उसके बाद मेरी वाइफ और बेटी के पीछे गुंडे लगवा दिए। ए 2 दिन में अगर कंप्लेन वापस नहीं ली ना तो अंजाम बुरा होगा, समझे? कौन आदमी थे वो? पता नहीं, बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आए थे और दोनों ने हेलमेट भी लगा रखा। हमने पुलिस को इस बात की जानकारी दी लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर आराध्या की फैमिली भले ही लगातार अजीत सिंह और उसके बेटे पर एलिगेशन लगा रही है, लेकिन अजीत के अलावा उसके खिलाफ नहीं जाती। ये देखिए सर, 19 मार्च को अजीत सिंह भोपाल में शादी में शामिल हुआ था और ये बात सही है सर, मैंने कंफर्म किया है। और सर ये एविडेंस अजीत जी के बयान को सपोर्ट करता है। मनीष कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अभी भी इस बात से इन्फ्लुएंस हो कि अजीत सिंह एक काबिल ऑफिसर थे? नहीं नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर सच में अजीत सिंह इस केस में इन्वॉल्व है तो अजीत सिंह जैसा काबिल ऑफिसर अगर इस तरह का कोई क्राइम करेगा तो वो इतनी सफाई से करेगा कि किसी का हाथ उसके कॉलर तक ना पहुंच पाए। हो सकता है ये जो अलीबाई के प्रूफ है अजीत सिंह के दाव पेच हो। लेकिन सर अगर ये कोई दाव पेच है तो अजीत सिंह 19 मार्च के इस फोटो में क्यों दिख रहे हैं? वो वेडिंग पार्टी चली होगी 18 मार्च की रात से 19 मार्च की सुबह तक और 19 मार्च की रात को ही 12:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आराध्या गायब थी।
मनीष, ये भी तो हो सकता है उसी रात लेट नाइट अजीत सिंह भोपाल से इंदौर आ गया। लेकिन 19 तारीख की रात तक अजीत जी का फोन भोपाल में एक्टिव था, तो क्या ये भी कोई दावपेच का हिस्सा हो सकता है सर? ये दावपेच किसका है ये पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले उस घर का पता लगाना होगा जिसके लिए आराध्या ने कहा था कि उसमें उसका रेप हुआ। आराध्या ने स्टेटमेंट दी थी कि उस घर का गेट नीले रंग का था, लेकिन पुलिस ने उस घर को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन हमें ढूंढना है। श्योर सर। उस ब्लैक कार की क्या अपडेट है? एज पर द आराध्या स्टेटमेंट, अजीत सिंह के बेटे करण ने ब्लैक कार में ही उसको लिफ्ट दी। ठीक हो तुम? लेकिन आराध्या ने जहां से लिफ्ट ली थी उस जगह पे कोई सीसीटीवी नहीं है, और रिकॉर्ड से भी ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि करण के पास कोई ब्लैक कलर की कार हो। ठीक है, शुरुआत अजीत सिंह के बेटे करण से ही करते हैं। बुलाओ करण को पूछताछ के लिए। सर, मैं उस रात पार्टी वेन्यू के बाहर आराध्या से मिला ही नहीं सर, और ना ही मेरे पास कोई ब्लैक कलर की कार है। सर, मैं खुद शॉक्ड हूँ। पहले तो उसने मेरे पापा पर एलिगेशन लगाए और अब मुझे घसीट रही थी। अब तुम ये कहोगे कि उसने तुम्हारे पापा पर एलिगेशन इसलिए लगाए थे क्योंकि तुम्हारे पापा ने टेबल टेनिस कॉम्पिटिशन के लिए उसकी सिफारिश नहीं की थी। ऐसा पापा को लगता है? हो सकता है वजह कुछ और हो। क्या वजह हो? ऐसा कहना नहीं चाहिए लड़की के बारे में, पर वो मुझसे अट्रैक्टेड थी सर, वो फिजिकल होना चाहती थी मेरे साथ। लेकिन तुमने अपने एक बयान में कहा था कि तुम आराध्या से सिर्फ दो ही बार मिले थे। हाँ सर, दो ही बार मिला था, और सर दूसरे बार ही मुझे ऐसा सिग्नल देने लगे सर। मैं तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉयल हो या फिर मैं पसंद नहीं तुम्हें? एक मिनट, सॉरी आई कांट। मैंने उसे साफ मना कर दिया। हो सकता है उसकी ईगो हर्ट हुई हो सर। आप खुद सोचो सर, अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं तब नहीं करता। ऊपर से उसने ऐसा कहा कि मैं उसे अपने पापा के पास ले गया। अजीत सिंह और उसका बेटा करण सिंह भले ही इस केस के प्राइम सस्पेक्ट थे, लेकिन इस केस में अभी बहुत कुछ था जो सामने नहीं आया था। जैसे कि आराध्या की मौत के पीछे का राज क्या था, वो नीले गेट वाला घर अगर था तो कहां था, वो काली गाड़ी अगर करण की नहीं थी तो किसकी थी, और उस रात पार्टी में मौजूद लोगों से भी इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी, और उस टैक्सी वाले को भी फिर से तलब किया गया जिसने आराध्या को रेप के बाद उसे उसके घर छोड़ा था। हाँ साहब, मैं मानता हूँ उस सुबह मैं MG रोड क्रॉसिंग पे था, लेकिन मैं अपनी टैक्सी में सो रहा था और मैंने उस लड़की को तब देखा जब वो मेरी टैक्सी हायर करने आई। उस वक्त हालत कैसी थी उसकी? हालत तो ठीक नहीं थी साहब, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। साहब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, वो कौन से व्हील और कौन से कमरे की बात कर रही थी। ये टैक्सी वाला बोल रहा है कि आराध्या किसी व्हील और कमरे की बात कर रही थी, कहीं ये कमरा वही तो नहीं जिसमें आराध्या का रेप हुआ था? तो किसी व्हील का भी उस ब्लू गेट वाले घर से कनेक्शन है? ऐसा कोई घर मिला? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। हाँ, लेकिन आराध्या की दोस्त नैना ने एक नई स्टेटमेंट दी। सर, मैंने ये बात पहले भी पुलिस को बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो वही जानने में इंटरेस्टेड थे जो वो जानना चाहते थे। कब की बात है ये? ए! क्या हुआ? मुझे लगा वो सुपर शादा भी यहीं खड़ा था और हमें मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। सर, तब तो हमने ये बात को इग्नोर कर लिया था, लेकिन आराध्या के रेप और मर्डर के बाद ऐसा लगा कि शायद इसका कुछ कनेक्शन हो। नाम क्या सुपर का? सर शंकर, वो यही काम करता है। मैंने क्या किया सर? शंकर ने स्टेटमेंट दिया तेरे खिलाफ। स्टेटमेंट? कैसा स्टेटमेंट? कि सफाई के बहाने शंकर को तूने गर्ल्स लॉकर रूम के पास भेजा, पैसे दिए थे तूने शंकर को आराध्या का वीडियो निकालने के लिए। नहीं, शंकर झूठ बोले। कैसा वीडियो? वही वीडियो जो उसने तुझे भी सेंड किया था, उसकी मैसेज हिस्ट्री निकाली हमने और तेरी हिस्ट्री भी निकाली,
इससे पहले भी कई लड़कियों ने कंप्लेन की थी ना तेरे खिलाफ? यकीन चीज सर, मैंने कुछ नहीं किया है। आराध्या को लेकर तेरी बुरी नियत थी ना? मैंने शंकर को पैसे दिए थे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन आराध्या के साथ मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर। इसी वीडियो के बल पे तू ब्लैकमेल कर रहा था ना आराध्या को? तू नहीं रेप किया ना आराध्या का? तेरे कहने पर आराध्या एसएसपी अजीत सिंह और उसके बेटे करण पर एलिगेशन लगा रही थी ना? नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैंने नहीं किया। ऐसा नहीं किया सर। सर ये सुधाकर तो वहीं का वहीं अटका हुआ है। करण और अजीत से भी इसके ऐसे किसी इशू का पता नहीं चला है जिससे लगे कि सुधाकर की ब्लैकमेलिंग की वजह से आराध्या करण और अजीत पे एलिगेशंस लगा रही थी। मनीष, ये सिर्फ मेरी थ्योरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अजीत सिंह और उनके बेटे करण को मैं शक के दायरे से बाहर कर रहा हूं। सर एक थ्योरी मेरी भी है। अगर हम लोग ये मान लें कि आराध्या की संदिग्ध मौत और उसका रेप केस दोनों अलग अलग है, तो हम आराध्या की फैमिली को क्लीन चिट नहीं दे सकते। आराध्या का भाई और फादर तो चाहते ही नहीं थे कि आराध्या केस फाइल करे। वो तो आराध्या ने फोर्स किया तो अंत में जाकर केस फाइल हुआ, और शायद इसीलिए आराध्या को छत से गिराकर मार दिया गया या किसी से मरवा दिया गया। सिर्फ इस थ्योरी के बेसिस पे हम इनको इंटरोगेट नहीं कर सकते। देखो कुछ मिलता है क्या इनके खिलाफ? सर अब आराध्या के पिता और भाई शक के दायरे में थे, और तभी एक नई जानकारी सामने आई। आराध्या का जिस दिन मर्डर हुआ था सर, उसके कुछ दिन पहले से ये आदमी आराध्या के घर के पास मंडरा रहा था। कौन है? आराध्या की फैमिली ने तो इसको आइडेंटिफाई नहीं किया है, पर अपनी एक टीम इसकी पहचान पता करने में लगी हुई है। सर मुझे आपको एक बात बतानी थी। मेरे पास कुछ दिन पहले एक फोन आया था। हेलो सर, वो फोन एक लड़की का था। इस केस के बारे में कुछ जानती थी, मुझसे मिलना चाहती थी, पर केस तब तक आपको ट्रांसफर हो गया। सर पीआई राजेश मौर्य ने जिस लड़की का नंबर दिया था, वो नंबर किसी मंजू नाम की लड़की का था, लेकिन कुछ दिन पहले मंजू की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। What? या सर, और चौंकाने वाली बात यह है कि राजेश का ऐसा मानना था कि वो लड़की उन लोगों को जानती थी जिनके प्रेशर में आराध्या ने अजीत पर रेप केस लगाए थे। अगर इंस्पेक्टर राजेश को ये बात पहले से पता थी तो उसने ये बात हमें बताने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? मंजू हिट एंड रन केस नरेंद्र नगर थाने में आया था, और जिस टेम्पो से मंजू का एक्सीडेंट हुआ था उस टेम्पो का भी अभी तक पता नहीं लगा पाए ये लोग। और सर वो लोग ऐसा मान रहे हैं कि मंजू जानबूझ के टेम्पो के आगे आई, क्योंकि मंजू के फादर ने स्टेटमेंट दिया था कि मंजू ने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। मंजू के फादर से मिलना पड़ेगा। हाँ साहब, ये सच है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। मंजू, लेकिन साहब मैं उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया था साहब। लेकिन आपकी बेटी मंजू ने पहले आत्महत्या करने की कोशिश की ही क्यों थी? ओ आदमी, वो आदमी पापा, वो आदमी। साहब मेरी बेटी ने बताया कि वो लोग उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ जबरदस्ती करते थे साहब। मुझे अपनी बेटी पे शक था पहले कि शायद उसका चक्कर उस गाड़ी वाले के साथ चल रहा है। कौन गाड़ी वाला? क्या वो गाड़ी ब्लैक कलर की थी? जी साहब। फिर साहब मैंने उस कार का पीछा किया जिस कार में मेरी बेटी थी, और वो कार एक कोठी में घुस गई। मैं कोठी में जाने की कोशिश की, लेकिन साहब वॉचमैन ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। कहाँ है वो कोठी? सब आराम नगर में है साहब। जिस कोठी की बात तुम कर रहे हो, ब्लैक कलर की कार जिस कोठी में घुसी थी, उस कोठी का गेट नीले रंग का है। कलर चेंज कर दिया। कौन हो भाई? अरे गाड़ी में डालो इसको। अरे साहब मैंने क्या किया साहब? यही है। साहब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, वो कौन से व्हील और कौन से कमरे की बात कर रही थी?
किसका घर है ये? क्या होता है यहाँ पे? साहब का घर है। कौन से साहब का घर है ये? अब सफाई देने के लिए कुछ नहीं बचा। बेनामी संपत्ति का वो घर जब्त हो चुका है और तुम्हारा वफादार खबरी मुकेश उठा लिया उसको हमने। मुकेश सब कुछ कबूल कर चुका है। क्या कबूल कर चुका है वो? यही कि मेरे कहने पर उसने उस लड़की को छत पे से फेंक कर मारा। हाँ, मैंने करवाया उस लड़की का मर्डर, क्योंकि उस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया था। मेरा 30 साल का बेदाग करियर खाक में मिला दिया था। लेकिन इसे ये कहां साबित होता है कि मैंने उस लड़की का रेप किया? अजीत सिंह एक बहुत ही पावरफुल और पहुंच वाला ऑफिसर था, इसलिए आईडी के लिए यह बेहद जरूरी था कि वो उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए। आईडी की टीम ने क्राइम सीन की फॉरेंसिक जांच करवाई और वहां उन्हें आराध्या, अजीत और कुसुम तीनों के ही डीएनए के ट्रेसेस मिले। और उस प्रॉपर्टी की डिटेल से यह भी पता चल गया कि वो बंगलो अजीत सिंह की ही एक बेनामी संपत्ति थी। तुम मुंह खोलेगा या फिर मैं मेरे तरीके से मुंह खुलवाऊं? तो ऐसे गर्मी मत दिखाओ जिंदल, गर्मी अच्छे अच्छे को खा जाती है, मुझे भी खा गई। औदा मिलते ही अंदर की सारी बुरी आदतें उबाल मारने लगती हैं। मुझे लड़की की आदत थी और मेरे बेटे को ड्रग्स की। मैंने कई बार कोशिश की कि उसकी आदत मैं छुड़वाऊं, लेकिन बाद में हम दोनों ने संधि कर ली। मैं उसकी आदतें पूरी करता था और वो मेरी जरूरतें। सर मंजू, मैंने उससे दोस्ती करी, उसे लगा मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे अपने पापा के पास ले गया था। मंजू कमजोर थी, उसे मजबूर करना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन आराध्या नखरेली क्रीम थी। करण को उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। सर वो पार्टी में आराध्या के बियर में मैंने ही नशे की गोली मिलाई थी। सर पार्टी के बाद जब आराध्या घर को निकली तो मैं उसके पीछे गया। मैंने देखा सर वो ऑलमोस्ट बेहोश पड़ी थी रास्ते में। मैं उसे लिफ्ट दी और पापा के पास ले गया। तुझे लगा कि आराध्या तुझे कभी पहचान नहीं पाए, लेकिन आराध्या ने तुझे पहचान लिया, बढ़ती उतरा दी तेरी, और ये बात तेरे से बर्दाश्त तो नहीं हुई। हाँ नहीं हुई मुझसे बर्दाश्त, और ये बात भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरा ही डिपार्टमेंट मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ा था। और खबरी मुकेश मेरा पुराना वफादार, और उसने मेरे कहने पर आराध्या को खत्म कर दिया। मंजू को भी तूने ही मरवाया ना? मंजू सर पे चढ़ने लगी थी, आराध्या की हिम्मत देखकर उसे भी हिम्मत आने लगी थी। उसने इंस्पेक्टर राजेश को फोन कर दिया। हेलो, ये बात मुझे पता चल गई और मौका देखते ही मैंने उसे भी पुलिस रक्षक होती है, भक्षक नहीं। और एक बाप अपनी औलाद को सही रास्ते पर लाता है, गलत रास्ते पर नहीं। तूने अपने बेटे को अपने निजी स्वार्थ के लिए गलत रास्ते पर लाया। आराध्या भले ही आज हमारे बीच नहीं है, पर आखिरकार उसे इंसाफ मिल गया। कहते हैं कि पावर अक्सर इंसान को करप्ट बना देती है, और जब अजीत सिंह जैसे पावरफुल पुलिस अधिकारी इस तरह के अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं तो समाज में अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है। एक आम नागरिक का भरोसा डगमगा जाता है। जो सिस्टम उसके अधिकारों को ताकत देने के लिए बना हो, अगर वही सिस्टम उसे कमजोरी का एहसास दिलवाए तो समाज का स्वरूप डरावना हो जाएगा। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर हमें भी अपनी सोच में, अपने ख्यालों में वो आजादी लानी होगी जो महिलाओं को एक दबाव मुक्त, एक अपराध मुक्त माहौल दे सके। लेकिन हमें उस सोच से भी बचना होगा जहां बेफिक्री की आदत हमें तमाम फिक्रों में जकड़ लेती है, जैसा कि आराध्य के साथ हुआ। जिंदगी शौक से जीना अच्छी बात है, लेकिन शौक पूरे करते वक्त इतने भी बेखौफ ना हो जाएं कि हमें अपने आसपास खतरे की दस्तक भी ना सुनाई दे।
अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।